तो दोस्तों आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त हर्षल सागल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एनी टॉपिक वाईटी। तो दोस्तों आज आप थंबनेल लेके चुके होंगे वीडियो को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट में मैं आज आपको एक वेजिटेबल सैंडविच बना के दिखाऊंगा सिर्फ 5 मिनट में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक दे दिया, ट्विटर अकाउंट का भी और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया। प्लीज़ आप मेरे वो जो अकाउंट्स आप उन पर एक बार विजिट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मैं अपनी रेसिपीज़ की और नेक्स्ट वीडियोज़ भी जो मेरे टेक पे या गेमिंग पे आएंगी मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर डालता रहूँगा। प्लीज़ एक बार मेरे अकाउंट्स चेक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हमने ये 4 इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। हमने टमाटो, ऑनियन, कैप्सिकम एंड कुकुम्बर ले लिया है। तो चलिए अब इनको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हमने ये 4 इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। हमने लिया है टमाटो, ऑनियन, कैप्सिकम एंड कुकुम्बर। तो चलिए अब इनको वॉश करके काट लेते हैं। वॉश कर लीजिए और इनको काट लीजिए चॉप्ड कर लीजिए। देखिए तो हमने इनको चॉप्ड कर लिया है। देखिए ये कुकुम्बर मैंने चॉप्ड कर लिया, ये ऑनियन चॉप्ड कर लिया, टोमेटो चॉप कर लिया और कैप्सिकम चॉप कर लिए। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिए वो सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुकुम्बर, ऑनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, 1 ग्रीन चटनी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, अमचूरन, काली मिर्च और ब्रेड ली है। तो दोस्तों जैसे ही हमने इनको चॉप कर लिया अब हम इनको एक बाउल में डालेंगे मिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कैप्सिकम ले ली। देखिए मैंने कैप्सिकम डाल ली, टमाटो डाल दिए, अब हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन डाल दिए, अब हमने कुकुम्बर डाल देना है। देखिए ये सब डालने के बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट मिक्स करनी है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। देखिए थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, इसमें काली मिर्च। देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड कर दी है। मैंने इसके अंदर सॉल्ट, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, अमचूरन और काली मिर्च को ऐड किया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने सारी स्पाइसेस को ऐड कर दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे ब्रेड की स्लाइस पे लगाएंगे। ब्रेड पे लगाने के लिए मैंने ब्रेड वो क्या कहते हैं क्रीम ली है और ग्रीन चटनी ली है। सॉस मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे सॉस अच्छी नहीं लगती इतनी। तो मैंने ग्रीन चटनी ली है और क्रीम ली है। तो चलिए ब्रेड पे लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए ब्रेड पे मैं ये लगाऊंगा, ये ग्रीन चटनी ली है मैंने और ये क्रीम ली है। तो चलिए ब्रेड पे लगाते हैं। देखिए ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने प्लेट में ले लिए हैं। अब आप इस साइड पे चटनी लगाइए और इस साइड पे आप क्रीम लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इस साइड पे ग्रीन चटनी लगा ली और इस साइड पे क्रीम लगा ली। तो अब हम इसके अंदर जो हमारी फिलिंग थी उसको लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस पे फिलिंग लगा दी और मेरे को क्रीम अच्छी लगती है तो मैंने फिलिंग के ऊपर भी क्रीम लगा दिया है। तो अब हम इस ब्रेड को बंद करेंगे और रुके मैं एक और ब्रेड भी बना लेता हूँ। उसके बाद इसको बंद करके हम इसको टोस्टर में डालेंगे। तो चलिए दूसरी ब्रेड भी मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने दूसरी ब्रेड पर भी ऐसे लगा लिया। अब हम इस पर अपनी फिलिंग रख के ब्रेड को बंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने अपनी दोनों ब्रेड पे ऐसे लगा के ब्रेड को तैयार कर दिया और इस ब्रेड को अब हम टोस्टर में रख के बनाएंगे।
देखिए ये मेरा टोस्टर है, इसमें मैं आज आपको ब्रेड बना के दिखाऊंगा। और देखिए ये ब्रेड, ये देखिए टोस्टर को मैंने ऑन कर दिया है, ये गर्म हो रहा है। अब हम इसमें ब्रेड रखेंगे और इसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे अभी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल लगाते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, मैं भी रिकमेंड करूँगा आप वही इस्तेमाल करिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप ऑयल यूज़ करते हैं आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए मैं इस पर ऑयल, ऑलिव ऑयल लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने टोस्टर के नीचे यहाँ पे लगा लिया था ऑयल और मैंने इस पर ब्रेड रख दिया है, तो अब हम इस ब्रेड के ऊपर भी ऑयल लगाते हैं। तो चलिए लगाएं। देखिए मैंने एक स्पून ऐसे लिया और ऐसे स्प्रेड कर दिया, एक और स्पून भी ले लेते हैं दूसरी साइड के लिए। और देखिए मैंने इसे स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा और लगा लेते हैं कॉर्नर्स पे। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लगा दिया, अब टोस्टर को बंद कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने टोस्टर को बंद कर दिया है और जैसे ही बनेंगे मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाऊंगा। अब जैसी बनेंगे, रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप ज़रूर बनाना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइस। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमारे टोस्टर बन के तैयार हो चुके हैं। ये हमारे टोस्टर में बन के तैयार हो चुके हैं। ये हमारे टोस्टर हैं जो हमने बनाए थे, और मैं इसको इस प्लेट में सर्व करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, जैसे अभी बन चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड बन के तैयार है। मैंने इसको एक ग्रीन चटनी के साथ ही सर्व किया, आप भी ऐसे ही करना। अगर आपको टमाटो कैचअप पसंद है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट आइटम के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस चैनल गाइज।